हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल लेवल क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी बिगेन इन। जैसा कि आपको पता है, रणजी ट्रॉफी जो है ये नेशनल लेवल क्रिकेट चैंपियनशिप है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर ए 1934 to 1935। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स अवार्ड इज गिवन टू द। देखिए, द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स अवार्ड बेसिकली जो है आपको बताना है कि किसको दिया जाता है, कैप्टन ऑफ द टीम, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, प्रेसिडेंट ऑफ द टीम या फिर कोच ऑफ द टीम। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि बेसिकली द्रोणाचार्य कौन थे। तो ये क्या थे, टीचर थे, है ना, टीचर थे। तो किसको दिया जाता होगा, कोच, जो मतलब कि पूरे टीम को सिखाता है, तो वो कौन सिखाता है, कोच सिखाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, कोच ऑफ द टीम को दिया जाता है द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टेब्लिश अंडर ब्लैंक ऑन 15 मार्च 1950। बताइए, प्लानिंग कमीशन जो है ये किसके अंतर्गत इस्टेब्लिश हुआ था 15 मार्च 1950 को, अंडर जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिहू फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन असम। जैसा कि आपको पता है कि भाई असम का मोस्ट फेमस फेस्टिवल है बिहू, तो ये बिहू फेस्टिवल्स के कितने टाइप्स होते हैं बताइए। बिहू फेस्टिवल्स के मेनली तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। बताइए, हर साल नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो भैया, नेशनल स्टार्टअप डे की बात करें ना, तो ये आपका 16th of January। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अब बताइए कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द बुक योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन इज रिटन बाय हुम। बताइए, ये जो बुक है योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन हैं, रूपा पाय, अरुंधति रॉय, पीएम मोदी या फिर स्मृति ईरानी। ये लिखा गया है किसके द्वारा, रूपा पाय। रूपा का स्पेलिंग होगा ROOPA और पाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तिजान बाई इज एसोसिएटेड विथ विच परफॉर्मिंग आर्ट। बताइए, तिजान बाई का संबंध कौन सी परफॉर्मिंग आर्ट से है, नौटंकी, पंडावनी, जत्रा या फिर लवनी। सो तिजान बाई का संबंध किससे है, पंडावनी। रुक्मिणी देवी अरुंडले इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। बताइए, रुक्मिणी देवी का जो है संबंध कौन सी डांस फॉर्म से है। ये आपके तमिलनाडु का डांस फॉर्म जो है भरतनाट्यम से रिलेटेड है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द डायमंड अपीयर्स लस्ट्रस बिकॉज ऑफ। डायमंड जो है ये चमकीला दिखाई देता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर स्कैटरिंग। राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। बताइए, कौन सा आर्टिकल जो है ये रिलेटेड है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड से। ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 39A। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द 23rd जैन तीर्थांकर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है ये 23वें जैन तीर्थांकर थे। ऑप्शन में मिस्टेक है, पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज। बताइए, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है कौन सी डिवाइस से, वोल्ट मीटर, एम मीटर, पायरोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है एम मीटर से। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। बताइए,
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रिया देश की जहाँ पे कैपिटल है वहीं पे है, ठीक है, समझ गए होंगे, वियना। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कटी बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? बताइए भारत के कौन से राज्य में कटी बिहू मनाया जाता है? बिहू आ गया ना, तो भाई सिंपल है, असम में है ना। और हमने देखा कि मतलब बिहू फेस्टिवल के कितने टाइप्स होते हैं, तो ये भी आपने देखा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज फाउंड इन द लाइम वाटर? बताइए लाइम वाटर में कौन से बेस पाए जाते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, लवली चौबे इज अ फेमस इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? लवली चौबे जो है ये एक फेमस इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन है, तो बताना है आपको ये कौन से स्पोर्ट्स से बेसिकली रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये आपके किससे रिलेटेड है? लॉन बॉल्स से, ठीक है। चलिए, कलसुबाई पीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बताइए कलसुबाई चोटी जो है ये निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है आपका? देखिए कलसुबाई पीक की बात करें ना, तो कलसुबाई पीक आपका कहाँ है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान इज अ नोबल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद पब्लिश इन द ईयर? गोदान जो कि एक नोबल है, उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद के द्वारा। तो इसको पब्लिश किस वर्ष किया गया था बताइए? सिंपल है, 1936। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन? बेसिकली जो पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो इसका क्या प्लान था, मतलब कि इसको किस पे फोकस करना था? पहले वाले तो था कि एग्रीकल्चर पे फोकस करना था, दूसरे वाले पे बताइए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रायपुर इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रायपुर नहीं, रैपिड, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होने के बाद वही पढ़ दिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वीडियो कहीं पेंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नहीं हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।